ख्वाजा साहब आप भी को प्रोग्राम कर लिया करें, वोटें बनती इसी तरह है। अच्छा तो मैं अब दावत इलेक्शन नहीं होने देगा। नहीं आप इस तरह भी कर लिया करें, कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं दावा दूंगा, हमारे काफी सीनियर राइटर हैं माशाल्लाह, उनसे माजरत चाहता हूँ कि पीछे जो प्रोग्राम हुआ था उनमें वो रह गए थे। हमारे दो सीनियर आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट है और एक राइटर है, असलम भट्टी साहब और एहसान। मुझे परसों पता चला कि आपकी तबीयत नासाज है, तो मैंने इनसे नंबर मांगा, किसी ने नंबर नहीं दिया आपका कि मैं कॉल करके मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को ये ईद मेरे लिए बड़ी खुशियां लेकर आई है, अल्लाह का शुक्र है। एक तो 60,000 रुपया मिला, दूसरा मेरी फिल्म आज़ादी रिलीज हुई, और तीसरा मेरी सीरियल बोल एंटरटेनमेंट चैनल पे चल रही है। ये तीन खुशियां मेरे लिए ईद लेकर आई। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और सबसे बड़ी बात, किसी बात को किसी शख्स को इस बात का ख्याल नहीं आया कि ये पहली ईद है कि हमारा एक आर्टिस्ट हम में नहीं है, इम्तियाज अली काशिफ, उसे भी याद कर लीजिए। बहुत कमाल का इंसान था, अल्लाह ताला उसका वो जहान अच्छा करे और उसके बच्चों को सबर अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच एहसान कुरैशी साहब। मैं तो ये कहना चाहूँगी, हम में से कितने आर्टिस्ट हैं जो उनके घर जाके उन्होंने ताज़ियत की होगी, ये ज़्यादा ज़रूरी था। एनीवे इसलिए खुशी के मौके पे मैंने हमें पता है, हमें सेंस है कि क्या जिक्र करना चाहिए, वो हमारे दिलों में है और इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है वो हमारे दिलों में रहेंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को एक मुबारक कहूँगा। इतना बीस सिर्फ मोहब्बत के टेक्स्ट पे बेस थे। आप ये पूछ रही हैं कि मैंने ईद कैसे गुजारी, सवाल तो यहाँ पे ये था ना। मेरा सवाल भी ये और मेरा जवाब भी ये, कैसी गुजरी ईद। सबसे पहले मैं अपने बाप की कब्र पे गया और वहाँ सुकून हासिल किया और अल्लाह ताला मेरी माँ को सलामत रखे, फिर उनके कदमों में आके बैठा, उनकी दुआएं ली, तो इससे बड़ी ईद और क्या हो सकती है। नो डाउट जी, बिल्कुल। तो मेरी दुआ है कि मेरी माँ सलामत है, उतना देर सलामत रहे, उनके सरों पर उनका साया हमेशा सलामत रहे और उनकी दुआओं के हिसाब में मेरे तमाम दोस्त रहें, और जिससे बड़ी खुशखबरी है मैं समझता हूँ और कुछ भी नहीं हो सकते। बड़े लोगों ने मैडम नहीं साहबा के बारे में कहा, वकार साहब के बारे में कहा, तो मैं समझता हूँ वो अपने जज्बात के इजहार का जहाँ भी मौका मिलता है तो वो अपने जज्बों का इजहार करते हैं, उस काबिल हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है 20-25 साल पहले जब आप रेजिडेंट डायरेक्टर थे मैडम, तो एक नया आर्टिस्ट जब से मुलाकात करते थे तो उस वक्त भी हम सीनियर से काफ़ी काम कर चुके थे हम लोग, तो हम भी ये कहते थे आके कि आपको अगर आर्ट मीडिया आर्ट कौन से को हाल लेना कोई काम हो तो हमें बताया, हम मैडम साहब से बात करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मतलब एहसान है उन पर, उनका करेक्टर की खूबी है, किरदार की ये खूबी हमेशा अल्लाह ताला उनका नसीब बनाए रखे और ये हमारे नसीब में लिखी रहे, किसी पर चलती रहे और ये हाल इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि वकार साहब जो सोच रहे हैं कि यहाँ किस किस्म का ड्रामा हो जाए, वो ड्रामा 20-25 साल पहले ख़त्म हो गया था, जो जिसकी आपको तलाश है, इसके लिए थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ी सी और मेहनत करना है, जिस तरह आप कर रहे हैं ना कुछ अर्सा और, तो इंशाल्लाह वही ख्वाजा साहब को पता है, ये भाई साहब बैठे हैं अंजू साहब, कि बहुत ज़बरदस्त ड्रामे होते हैं, आपको भी पता है, तो उसमें कहानी भी होती थी, बात भी होती थी, अब उस फनकार हमारे घर से जुदा हो हमारे माशाल्लाह काफ़ी सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो पीटीवी से तलक है, बेताशा अरसे से काम कर रहे हैं, तो आपकी तालियों में सदा बहार साहब। सदा बहार साहब ये बताएं, अभी एक बहस मेरी चल रही थी शमा आदर से कि ये कह रहे हैं कि वसीम हैदर साहब सीनियर हैं, तो क्या ये सही कह रहे हैं? बातें तो उनको आपका कहा था मगर वो कहते नहीं, ना ना सीनियर जूनियर की बात नहीं है, बात सुर की होती है। वाह ये बात होती है, बात सुर की होती है और मौसीकी में मुकाबला नहीं होता। पहली बात तो ये मौसीकी कोई इतनी
करता है वो भी मौसीकी कहलाती है, कोई बहुत ज़्यादा करता है वो भी मौसीकी कहलाती है। ये शुक्र करे वो गा रहा है, कोई डकैत नहीं, कोई जुआरी नहीं, गाना गा रहा है, एक अच्छे काम की तरफ आ रहा है। हमारे यहाँ यही कमी है कि हम आर्टिस्टों को क्या कहते हैं कि डिस्करेज करते हैं, उनको ये कहते हो रहने दे, तू तो कर ही नहीं सकता, वो छड़ मरे मर गया तो रहने दे। ये कर करके कितने ही अच्छे आर्टिस्ट रह गए हैं। मुझे ये बताएं, ये हाल में मुझे पता है कि कितने कितने अच्छे आसफ मीर बैठा हुए, आसफ मीर को कितनी दफ़ा बुलाया गया, ये इनको इनको कितनी बात मेरे लेट की नहीं। मैं जितना मौसीकी के स्प्रिंडी इस्लामाबाद को लाहौर से पेशावर तक काम किया, पेशावर टेलीविजन से बेताशा ड्रामों के बैकग्राउंड्स किए मैंने, लाहौर से किया, प्राइवेट मीडिया में किया, तो इन आर्टिस्टों को नहीं बुलाया गया प्रोफेशनली, वैसे फंक्शन में बुलाना एक अलग बात है। मुझे ये बताएं, ये हमारे कुमार सानू साहब हैं, तारक साहब, इनको बुलाए साहब, वो कितना अभी उनको बुलाएंगे। अच्छा ये बताएं सदाबहार साहब कि माशाल्लाह अगर आपको फरमाइश करें एक बेहतरीन सा गाना सा आप भी सुना दें, एक्चुअली उसमें पता भी चलेगा कि आपको मेरे आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा। मैं आज बहुत ज़्यादा चूँकि स्ट्रगल है, काम कर रहे थे, लाइट से सुना दें ISPR का, लाइट वजह से करके बाहर मैं लाइट से सुना देता हूँ। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कहा था खवातीन के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है मैडम, और स्पेशली ऐसे किसी भी इवेंट में आने के लिए, तो मैं चाहूंगी आपकी भरपूर क्लैप में उन्हें भी दावत दूंगी, और उनके शायद जमाने कदीम से हमारे बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर, वो आज भी फोटोग्राफर है, कैसे मजे की बात है। तो इन दोनों शख्सियत को साथ में दावत दूंगी, शाहिया शेख और सरदार भाई, देख ले फिर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले तमाम दोस्तों को, तमाम बहनों को खुश आमदीद दिल से एंड ईद मुबारक। जी शुभता जी सरदार, मुझे आज पता नहीं इन लोगों ने कैसे बुला लिया, जिस तरह सारे लोग मैं तो यहाँ पर ही घूमता रहा हूँ, और ना ही बाजी मेरी बैठी हैं, वकार भाई बैठे हैं, बाप वही है सलीम भाई वली के, वाकई वकार भाई तो शायद अब हमें यहाँ आके पहचानने लगे। हमारी तो नाहिद भाई से इतनी पुरानी वो है कि एक इन्होंने बहुत बड़ी नेकी मेरे लिए कर रही थी, लेकिन पता नहीं मैं ही शायद पीछे रह गया था, वो आज भी मुझे याद करती है। बात यह है कि मुझे 40 से 42 साल हो गए इस फील्ड में। साड़ी तो उमरा ना खोलो ना आप, क्यों अपनी तरफ आप लोग से जब भी बात करेंगे आप लोग 18 से ऊपर आते ही नहीं, 118। बात यह है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, हो सकता है कि मैं बल्कि बड़ा छोटा छोटा टाइम दिया गया है, मैं एक बहुत मुख्तसर बात करूंगा। मैं कभी मसूद ख्वाजा के बारे में कभी कोई बात नहीं करता, लेकिन आज मैं एक बात ज़रूर कहूंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं मसूद ख्वाजा को एक बात ज़रूर कहूंगा, हमारा बहुत जूनियर है, बहुत जूनियर है। मैं तनवीर भाई के साथ मैं काम कर चुका हूँ, हम लोग बहुत मतलब हम लोगों ने यह ऐसा सा टाइम देखा कि मैंने इसे निकर में देखा है, नेकर में मसूद ख्वाजा को, बहुत पुरानी बातें हैं। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा, मैं अब भी ये बात कहूँगा कि मसूद ख्वाजा को जो इज्जत मिली है मैं इससे इनहराफ नहीं कर सकता, इसको अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है टेलीविजन के हवाले से।
एक बात मैं और कहूँगा इसे, ये एक मिनट आपका था, आपने मसूद ख्वाजा को दे दिया। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कोई बात नहीं। मेरा एक ऐसा मैसेज है जो सारे आर्टिस्ट बैठे उनके लिए भी है, और इनके तवज्जो से कि मसूद ख्वाजा को मैं सिर्फ एक एडवाइस करूँगा कि अल्लाह ने जो तुम्हें इज्जत दी है मसूद ख्वाजा, इसको उड़ाना नहीं, इसको बेतुका नहीं करो, इसमें किसी की इंसल्ट ना करना, बल्कि जितने जूनियर और सीनियर भी आते हैं, अल्लाह ने जो आपको इज्जत दी है आप उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे इस तरह से बात करो जैसे उमर शरीफ करते हैं, जैसे मोइन अख्तर बात करते हैं। आप हमारी फील्ड के यहाँ मोइन अख्तर बन जाओ यार, अच्छी बात करो। अब आप छोड़ दो तनवीर ख्वाजा भाई, अगर यहाँ छोड़ दे। बहरहाल ये एक ईद का मौका है, यहाँ मुनव्वर भाई ने हम सबको इकट्ठा किया, और मैं सबको ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच सरदार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार भाई को हमने एक मिनट इनके लिए दिया था, उन्होंने मसूद ख्वाजा साहब को दे दिया, और ख्वाजा साहब बोलते मैं कीता किए तुसी कुछ नहीं कीता, ताई ताने कह रहे हैं कि कुछ करो। लेकिन आपको मैं बताऊं सरदार भाई, इस वक्त तीन चार जैसे झलक हैं, लियाकत शाह साहब हैं, अब्बासी हैं, ये वो आर्टिस्ट हैं जो मसूद ख्वाजा ने इस तरह के बहुत से नाम हैं जो मुतारिफ करवाए हैं इधर, तो वो ये काम साथ साथ कर रहे हैं। शाजिया शेख, आपकी ईद कैसी गुजरी? सिर्फ एक चीज में गुजरी है कि शायद आर्ट्स काउंसिल वालों को या मेरे दीगर साथियों को शायद मैं नजर आ जाऊं, इंतजार में गुजरे। इतनी सेहत बना ली थी इस तरह से जी, बेशक देना कि भी मैं नजर आ जाऊं। नहीं इंशाल्लाह पिंडी में इंशाल्लाह दोबारा ये स्टेज का दौर आएगा, और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनका ये गिला है कि उन्हें नहीं बुलाया जाता या उस तरह काम नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल में ये जिम्मा जो है, ये इस वक्त जो आला शख्सियात बैठी हुई हैं इनके जिम्मे हैं, मतलब फंड तो इलावा भी गल के डरो सर जी जी इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि आने वाले वक्त का कोई पता नहीं होता, लेकिन अच्छे साथियों को पता होता है कि वो आने वाले वक्त में जरूर अपने साथियों जी। थैंक यू वेरी मच, और सरदार भाई के लिए बहुत सिखलाफ होनी चाहिए।